प्राइस तो मुझे कमेंट आ रहे थे कि हार्डवेयर शॉप में कितने इन्वेस्टमेंट लगते हैं और क्या मार्जिन होता है, तो मेरे 7 साल के एक्सपीरियंस में मुझे जहाँ तक लगता है हार्डवेयर शॉप अगर आपको खोलना है तो मिनिमम अमाउंट 5 to 6 लाख लगेगा, ये मिनिमम अमाउंट है अगर आप खाली हार्डवेयर शॉप खोलना चाहते हैं तो। पर अगर आपको हार्डवेयर में इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग, पेंट, सैनिटरी ये सब मटेरियल रखना है, मिक्स्ड शॉप खोलना है, तो मिनिमम 15 से 20 लाख तो लग ही जाएंगे। हम खुद सब मटेरियल अभी 7 साल से भर रहे हैं, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो कम पड़ता है। बाकी मार्जिन की बात करें तो मार्जिन अगर मैं जेन्युइनली बताऊं आपको तो कुछ प्रोडक्ट में 70-80% मिल जाता है, कुछ प्रोडक्ट में आपको डबल भी मिल जाएगा, कुछ प्रोडक्ट पे तो 10-20% ही प्रॉफिट हो पाता है, जैसे कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट पे मार्जिन तो बढ़िया है। बाकी ये धंधा तो आपको आपके व्यवहार से चलता है, अगर आप कस्टमर से या और बिल्डर लोग से अच्छे से व्यवहार बना के रखोगे तो आपके ओवरऑल सेल पे जो भी टर्नओवर होगा आपका उस पर आपको अच्छी प्रॉफिट हो सकती है। और अगर आपको हार्डवेयर शॉप खोलना ही है तो थोड़ा एक्सपीरियंस ले लीजिए कहीं से, और थोड़ा मनी का बैकअप करके हार्डवेयर शॉप बिंदास खोलिए, क्योंकि इस धंधे में आपको लॉस तो होना बहुत मुश्किल है। बाकी आपके पास नॉलेज रहेगा, मनी बैकअप रहेगा, तो आप आराम से एक हार्डवेयर शॉप खोल के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। मार्केट में कंपटीशन तो बहुत है, बट आप ट्राई करोगे तो आप भी आराम से एक हार्डवेयर शॉप अच्छे से खोल सकते हो। चलो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।